नमस्कार। ये जो आज की क्लिप है बड़ी महत्वपूर्ण है। ये खासकर जो हिंदुस्तान के युवा हैं और जो आज के समय में जिनको गलत आदत के कारण एक दलदल में फंस गए हैं, जिसे हम बोलते हैं भयंकर कीचड़, और उसका नाम है हस्त मैथुन या मास्टरबेशन। आप जानते हैं कि ज्यादातर आजकल हिंदुस्तान के युवाओं का जो पेट खराब है, जिन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा भयंकर लेवल से खराब है, या डाइजेशन जिनका वीक है, या यूं कहिए कि अगर उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम ज्यादातर आ रही है तो वो हस्त मैथुन के कारण कर रही है। आप जानते हैं कि हस्त मैथुन एक बहुत बुरी आदत है और आपके शरीर का सत्यानाश करने वाली आदत है। अगर आपको अपना शरीर खत्म करना है, तबाह करना है, बर्बाद करना है, उसका सत्यानाश करना है, तो आपको हस्त मैथुन करना चाहिए। और अगर आपको बलशाली बनना है, ताकतवर बनना है, एकदम बिल्कुल प्योर पॉजिटिव बनना है और सामर्थ्यवान बनना है, सुसंस्कृत बनना है, या आपको इससे बेहतरीन चीज, बेहतरीन काम करना है, मन को स्थिर रखना है, तो आपको हस्त मैथुन छोड़ना पड़ेगा। हर हाल में हस्त मैथुन छोड़ना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं, अगर आप हस्त मैथुन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लो स्पर्म काउंट हो जाएंगे, आपकी स्पर्म बहुत ही लो हो जाएंगे। जो लो स्पर्म काउंट है ये ज्यादा हस्त मैथुन करने से होता है, जिससे आप अपने पार्टनर को कई बार प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, पहला। दूसरा, आप टैक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसे कहते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब आप बहुत जल्दी ही निचुड़ जाएंगे, एक सेकंड के अंदर। इसके अलावा आपका जो पेनिस है वो कहीं ना कहीं टेढ़ा हो जाएगा, 100% मैं आपको सही बता रहा हूं, वो टेढ़ा हो जाएगा, और आपका कहीं ना कहीं जो पेनिस है वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ज्यादा हस्त मैथुन करने से। ऐसा भी बताते हैं कई बार कि आपके ज्यादा हस्त मैथुन करने से आपकी आंखों की शक्ति कमजोर हो जाती है, आंखों की पावर कमजोर हो जाती है, जिससे आपको कई बार धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपके शरीर के अंदर वीकनेस आ जाती है, थकान आ जाती है, और इन सब के अलावा भी आपको मेंटल इलनेस आ जाएगी, मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। आज के समय में जो नए युवा हैं, आप जानते हैं ये मोबाइल उनके लिए सर्वाधिक सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। हम इस मोबाइल का अच्छा भी यूज कर सकते हैं और बुरा भी यूज कर सकते हैं। अगर हम गलत संगत में फंस गए तो हम हस्त मैथुन का शिकार हो जाएंगे, और अच्छे संगत में फंस गए तो हमारा बहुत अच्छा नाम हो जाएगा। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा हस्त मैथुन करते हैं तो निश्चित तौर पे आप डाइजेस्टिव सिस्टम, खराब डाइजेस्टिव सिस्टम के शिकार हो जाएंगे। आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, खराब पेट हो जाएगा, नले और नाभि की प्रॉब्लम हो जाएगी, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी, आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सीवियर डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे, आपकी थॉट नकारात्मक हो जाएगी, प्योर नकारात्मक हो जाएगी। और इन सब के अलावा अब आप एक दलदल में फंस जाएंगे, उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपको हस्त मैथुन छोड़ देना चाहिए। अगर आप हस्त मैथुन करते हैं तो ये क्लिप आपको देखना बहुत जरूरी है, हिंदुस्तान के युवाओं को देखना बहुत जरूरी है कि कैसे वो कुसंगति में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, एकदम गहरे गड्ढे में लेके जा रहे हैं जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हस्त मैथुन करता है उसका पेट बहुत खतरनाक लेवल पर हो जाता है, सीवियर नले पड़ जाते हैं, और जो हमारे अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं, जैसे छोटी आंत और बड़ी आंत और स्टोमक, जो खोखले अंग हैं, वो कड़क हो जाते हैं और आपकी सॉफ्टनेस बॉडी में से खत्म हो जाती है, और सॉफ्टनेस बॉडी में से खत्म होते ही आपको बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे लैट्रिन में यूडीएफ आना, लैट्रिन हिला की तरह ना आना, लैट्रिन खुल के ना आना, और आपको एक ही शिकायत रहेगी कि ना जी ना, लैट्रिन तो पतली आती है लेकिन मेरी लैट्रिन एक बार में 100% खुल के नहीं आती। यही आपके हस्त मैथुन का सबसे बड़ा आप शिकारी हो जाओगे। इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि खाना खाने के बाद में पेट भरा हुआ है, पेट में कुछ रखा हुआ है, भयंकर ब्लोटिंग हो जाएगी। मैं आपको फिर बता, और अगर आप समझ लीजिए रात का खाना खाने के बाद तुरंत हस्त मैथुन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप 100% नले के शिकार हो जाएंगे, भयंकर नले के शिकार हो जाएंगे।
और यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो आप अपनी जिंदगी के एक अनमोल अमोल कीमती क्षणों को बर्बाद कर देंगे। और पेट रोग का अगर शिकार हो गए तो निश्चित तौर पर अब आप घूमते रहेंगे लेकिन ठीक नहीं रहेंगे। आप धीरे धीरे डॉक्टरों के पास जाएंगे, आपको गैस जो शांत नहीं होगी, भयंकर गैस बनेगी, भूख नहीं लगेगी, पेट जब कड़क हो जाएगा तो भागेंगे। डॉक्टर साहब का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, एंडोस्कोपी कराएंगे, क्लोनोस्कोपी कराएंगे, एलएफटी कराएंगे, ईएफटी कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, चेस्ट का सीटी स्कैन कराएंगे, लेकिन आपको निकलेगा कुछ नहीं। फुल बॉडी स्कैनिंग कराएंगे लेकिन आपको निकलेगा कुछ नहीं। और लास्ट में फिर आप शिकार रहेंगे तो आपको बोला जाएगा आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब आप किसी अच्छे और जो दिमागी डॉक्टर है उसके पास जाइए, वही आपको ठीक कर सकता है। हस्त मैथुन आज के समय की सबसे बड़ी को प्रभावित और सबसे खतरनाक चीज है। अगर इसको कुछ समय कंटिन्यू कर लिया और लगातार कर लिया तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़े भयंकर पेट रोग के शिकार हो जाएंगे, जिसमें से निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत असंभव हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आज ही हस्त मैथुन छोड़िए, जिंदगी को बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाइए, जिंदगी को अच्छा बनाइए, गुड क्वालिटी का बनाइए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए बनी है, तवाल होने के लिए नहीं बनी। अगर आप अपने परिवार में एक अच्छे बच्चे बनकर उभरते हैं तो पूरा परिवार आपका मान सम्मान करेगा, पूरी रिश्तेदारी आपका मान सम्मान करेंगी, आपके आस पड़ोसी आपका मान सम्मान करेंगे और आपको इज्जत की दृष्टि से देखा जाएगा। तभी हम कहते हैं कि अगर आपका पेट खराब है तो प्लीज, अगर आपका पेट खराब है तो सबसे पहले पेट खराब होती है आपको हस्त मैथुन छोड़ना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर आप 100% ठीक हो जाएंगे और फिर आपको बहुत जल्दी पेट खराब नहीं होगा। ये आज के युवाओं को हमारा एक प्रेरणादायक संदेश है, इस पर आपको अमल करना चाहिए और निश्चित तौर पर आपको इसके अंतर्गत आना चाहिए और इसके अनुरूप ही चलना चाहिए, क्योंकि हस्त मैथुन करने वाले व्यक्ति की मेमोरी खत्म हो जाती है, वो एनर्जी लेस हो जाता है, पावर लेस हो जाता है और वो माइंडली उसको डिस्टर्बेंस आने लग जाती है। यही है हस्त मैथुन का साइड इफेक्ट। फिर हम कहते हैं इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसने हस्त मैथुन किया है, क्योंकि हस्त मैथुन बहुत बुरी आदत है, हस्त मैथुन को छोड़िए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए जो इस बीमारी के शिकार है। नमस्कार, भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे।